एक लेटर को है ना, अरे एक लेटर किसका है? बहुत बड़ा पिक्चर है ये, ए वन एडवर्टाइजमेंट का है भैया। नितिन नितिन थोड़ी साइड पे आएगा ना, कोई काले से होगा ना, आगे से लोगे तो हम उसमें मोहर लगा के देंगे। इसमें परमिशन नहीं है, आप जाओ, परमिशन नहीं। मेयर साहब क्या पूरा मामला ये, मेयर साहब क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि पिछले 14 माह पहले नगर निगम के जो छोटे होल्डिंग का टेंडर खत्म हो चुका है, और 14 महीने से पूरे शहर के अंदर जो छोटे होल्डिंग लगे हुए हैं, खंभों पे जो पोल पे लगे हुए हैं, वो बिना नगर निगम की जानकारी के लगे हुए हैं। 2 महीने का रिवेन्यू आया है और 12 महीने बिना उसके लगे गए हैं, अधिकारियों के साथ मिली भगत है। मेरे साथ जिस तरह से आप भी महापौर और अधिकारी, क्या आपसे बात नहीं करते? क्या देखिए, नगर निगम के अंदर नित्य नए घोटाले देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन शासन मौन है, अधिकारी बेलगाम है, और अब मुझे लगता है रुड़की की जनता जन आंदोलन के मूड में। क्या अधिकारी जो है बेलगाम हो रहे हैं अपने? जी मेयर साहब, क्या अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे यहाँ के अधिकारी बेलगाम है, और बिल्कुल इस पर शासन प्रशासन मौन है। मुझे नहीं लगता रुड़की नगर की जनता को अपनी सुविधाओं के लिए, अपने हकों के लिए अब सड़कों पर आना पड़ेगा। जिस तरह से छोटे वेल्डर हैं, इन्होंने अभी 2 दिन पहले भी देखिए, इनका धरना तीसरे दिन जारी रहा। छोटे वेंडरों को काम ना मिले इसलिए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा टेंडर में एक शर्त घेर दी गई कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ होनी चाहिए। अब 2 करोड़ की टर्नओवर वाला रुड़की में कौन व्यापारी होगा? नगर निगम का काम है कि शर्तें इतनी आसान हो ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, तो सब लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। मैंने अधिकारियों को बोला है 5 से 10 लाख रुपए टर्नओवर, ऐसा उसके अंदर शर्तों में घिरो, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठेका ऊंची कीमत पर जाएगा ताकि नगर निगम को भी लाभ। क्या एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा अधिकारी? निश्चित व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए अधिकारी ऐसे टेंडर नहीं। छोटे वर्ग की कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है 100%। मेरे साथ जिस तरह से आपने देखेगा, 2 दिन से जो धरना चल रहा था, वो धरने का आज तीसरे दिन रिजल्ट आया है निकल के, कि बहुत सारी बातें खुल के आई हैं रिवेन्यू के लेकर के, कि लगभग 30-35 लाख का तो ये जो होल्डिंग का रिवेन्यू है वो ही गायब है। यहाँ से अधिकारियों से फाइल मंगाई गई तो वो फाइलें नहीं पहुँची हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पर कई साल से कर्मचारीगण लगे हुए हैं, कई साल से अधिकारीगण यहीं पर काम कर रहे हैं, इससे ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ रुड़की नगर निगम के अंदर। जरूरत है इस समय की जितने भी 3 साल से ज्यादा के वो है कर्मचारीगण, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े कर्मचारी, सभी के यहाँ से ट्रांसफर और तबादला होना चाहिए। नए को मौका दे।